दोस्तों आईपीएल 2023 का जमी 48वां मुकाबला राजस्थान रॉयल्स वर्सेस गुजरात टाइटन के बीच खेला गया। इस मुकाबले में गुजरात टाइटन के शानदार जीत के बाद गुजरात टाइटन को मिली पॉइंट टेबल में बहुत बड़ी खुशखबरी। वह इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल की हार के साथ राजस्थान को लगा पॉइंट टेबल में बहुत बड़ा झटका। तो आज के इस वीडियो में आईपीएल 2023 का नया पॉइंट टेबल आपको बताने वाले, कौन सी टीम कौन से पोजीशन पर है, उन्हें कितने मुकाबले खेलने हैं प्लेऑफ के लिए जाने के लिए, ये सभी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक बन रहे। तो आप भी आईपीएल के बड़े वाले फैन तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल पर भी चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन को ऑल पर रखें, जिससे आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। तो बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करें। तो फ्रेंड, आपको क्रिकेट और आईपीएल की खबर सबसे पहले पाना चाहते हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया है। तो टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन करें। तो फ्रेंड, वीडियो में बढ़ते आगे, आईपीएल 2023 में आज गुजरात टाइटन की धमाकेदार जीत के बाद आईपीएल 2023 के पॉइंट स्केल में बड़ा ही बदलाव देखने को मिला है। आईपीएल 2023 में जो 10वें पोजीशन पर है वे दिल्ली कैपिटल। दिल्ली कैपिटल ने अब तक कुल 9 मुकाबले खेले, जिनमें से उन्हें 3 मुकाबले में जीत मिली, 6 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट स्केल उनका 6 पॉइंट है, उनका नेट रन माइनस में देखने को मिल रहा है। तो दिल्ली कैपिटल को प्लेऑफ में जाने के लिए अपने 5 मुकाबले में से 5 मुकाबला जीतना जरूरी। तो पॉइंट स्केल पे 9वें नंबर पर है सनद हैदराबाद ने अब तक कुल 9 मुकाबले खेले, जिनमें से उन्हें 3 मुकाबले में जीत मिली, 6 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट स्केल उनका 6 पॉइंट है, उनका नेट रन माइनस में देखने को मिला है। तो सनद हैदराबाद को प्लेऑफ में जाने के लिए अपने 5 मुकाबले में से 5 मुकाबला जीतना जरूरी। पॉइंट टेबल पे 8वें नंबर पर है कोलकाता नाइट राइडर ने अब तक कुल 10 मुकाबले खेले, जिनमें से उन्हें 4 मुकाबले में जीत मिली, 6 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट टेबल उनका 8 पॉइंट है, उनका नेट रन माइनस में देखने को मिल रहा है। तो कोलकाता नाइट राइडर को प्लेऑफ में जाने के लिए अपने 4 मुकाबले में से 4 मुकाबला जीतना जरूरी। पॉइंट टेबल पे 7वें नंबर पर है पंजाब किंग ने अब तक कुल 10 मुकाबले खेले, जिनमें से उन्हें 5 मुकाबले में जीत मिली, 5 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट स्केल उनका 10 पॉइंट है, उनका नेट रन माइनस में देखने को मिला है। तो पंजाब किंग को प्लेऑफ में जाने के लिए अपने 4 मुकाबले से कम 3 मुकाबला जीतना जरूरी। तो पॉइंट स्केल पे 6वें नंबर पर है मुंबई इंडियन ने अब तक कुल 9 मुकाबले खेले, जिनमें से उन्हें 5 मुकाबले में जीत मिली, 4 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट स्केल उनका 10 पॉइंट है, उनका नेट रन माइनस में देखने को मिल रहा है। तो मुंबई इंडियन को प्लेऑफ में जाने के लिए अपने 5 मुकाबले से कम 3 मुकाबला जीतना जरूरी। तो पॉइंट टेबल पे 5वें नंबर पर है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने अब तक कुल 9 मुकाबले खेले, जिनमें से उन्हें 5 मुकाबले में जीत मिली, 4 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट टेबल उनका 10 पॉइंट है, उनका नेट रन माइनस में देखने को मिल रहा है। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को प्लेऑफ में जाने के लिए अपने 5 मुकाबले से कम 3 मुकाबला जीतना जरूरी। वही पॉइंट टेबल पे 4थे नंबर पर है राजस्थान रॉयल ने अब तक कुल 10 मुकाबले खेले, जिनमें उन्हें 5 मुकाबले में जीत मिली, 5 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट टेबल उनका 10 पॉइंट है, उनका नेट रन प्लस में देखने को मिल रहा है। और राजस्थान रॉयल को प्लेऑफ में जाने के लिए अपने 4 मुकाबले से कम 3 मुकाबला जीतना जरूरी। और पॉइंट टेबल पे 3रे नंबर पर है चेन्नई सुपर किंग ने अब तक कुल 10 मुकाबले खेले, जिनमें उन्हें 5 मुकाबले में जीत मिली, 4 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है, 1 मुकाबला नो रिजल्ट देखने को मिला है। पॉइंट टेबल उनका 11 पॉइंट है, उनका नेट रन प्लस में देखने को मिला है। तो चेन्नई सुपर किंग को प्लेऑफ में जाने के लिए अपने 4 मुकाबले से कम 3 मुकाबला जीतना जरूरी। तो पॉइंट टेबल पे 2रे नंबर पर है लखनऊ सुपर जायंट ने अब तक कुल 10 मुकाबले खेले, जिनमें उन्हें 5 मुकाबले में जीत मिली, 4 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है, 1 मुकाबला नो रिजल्ट देखने को मिला है। पॉइंट टेबल उनका 11 पॉइंट है, उनका नेट रन प्लस में देखने को मिला है। तो लखनऊ सुपर जायंट को प्लेऑफ में जाने के लिए अपने 4 मुकाबले में से 3 मुकाबला जीतना जरूरी। वही पॉइंट टेबल पे 1रे नंबर पर है गुजरात टाइटन ने अब तक कुल 10 मुकाबले खेले, जिनमें उन्हें 7 मुकाबले में जीत मिली, 3 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट टेबल उनका 14 पॉइंट है, उनका नेट रन प्लस में देखने को मिला है। गुजरात टाइटन को प्लेऑफ में जाने के लिए अपने 4 मुकाबले में से 1 मुकाबला जीतना जरूरी। ये आईपीएल 2023 की आज की लेटेस्ट पॉइंट टेबल। आपकी फेवरेट टीम कौन से पोजीशन पर है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं।
और आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद है तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिलती रहे।